हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई बुक बताइए बुक बताइए, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे पॉलिटिकल साइंस की बुक में, कोई गलत बुक ले रहा है, पैसा वेस्ट हो जा रहा है आपका, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बहुत लोग तो गलत बुक ले भी चुके हैं फिर पूछ रहे हैं, तो मतलब पहले पूछ लीजिए फिर आप बुक लीजिए। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नेशनल मूवमेंट है, ठीक, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। आर सी अग्रवाल इज़ द बेस्ट बुक फॉर इवन नॉट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी है, फॉर एम ए ऑल्सो एंड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है, आपको मतलब वन टाइम यूज़ है इसका, मतलब फुल लाइफ, एक बार खरीदने के बाद में कहते हैं ना फुल पैसा वसूल, वो चीज़ है इस बुक के साथ, पूरा पूरा पूरा, मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज भी है, आपको अच्छे समझ में भी आएगा सब कुछ, और हर टाइम इसमें आपका सिलेबस, कोई ना कोई आपको सिलेबस का टॉपिक इसमें मिल ही जाएगा, कहीं से भी आप पॉलिटिकल साइंस के नेशनल मूवमेंट्स आप सर्च करेंगे तो इसमें लगभग सारे टॉपिक्स हैं, आराम से मिल जाता है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर हमारा, सेकेंड सेमेस्टर भी आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं, ये बुक आपको मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसलिए प्लीज़ मैं कहूँगी प्लीज़ 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 यही बुक लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, वरना और कुछ लेकर फिर पछताने से अच्छा है कि हम सबसे पहले यही ले लें, क्योंकि बहुत बच्चे पछता रहे हैं और मुझसे अब पूछ रहे हैं कि दीदी हम कौन सी बुक लें, तो फिर अब क्या किया जाए, आप ले चुके हैं, फिर भी अगर ले चुके हैं तब भी ले लीजिए, क्योंकि मतलब फिर बाद में इसकी यूज़ हो आने ही वाला है, आप बाद में खरीदने से अच्छा अभी खरीद लें। फिर इसके बाद जो थोड़ा थ्योरी पोर्शन होता है, उसके लिए सबसे अच्छी बुक है ये ओपी गवा, इसमें भी लगभग सारे सिलेबस कवर्ड है, बट आपको एक चीज़ बता दूँ, ओपी गवा ना थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, तो अगर आप अगर हार्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसकी जगह आर सी अग्रवाल की ही आती है पॉलिटिकल थ्योरी करके बुक, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, आर सी अग्रवाल की, जैसे ये मूवमेंट वाली बुक थी नेशनल मूवमेंट की, इसी की थ्योरी पार्ट भी आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप ओपी गवा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, नहीं तो ये दोनों बुक सबसे बेस्ट है, इसकी तो लैंग्वेज भी बेस्ट है और ये बुक भी बेस्ट है, तो इसको जरूर परचेस कर लें, आर सी अग्रवाल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। बाकी अगर ओपी गवा आपको ठीक लगती है लैंग्वेज तो आप ले लें, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप फिर इसी आर सी अग्रवाल की ही पॉलिटिकल थ्योरी करके बुक है वो ले लें। तो गाइज इतना ही, अगर आपको और किसी बुक का भी रिव्यू चाहिए, आपको बुक नहीं समझ में आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो, पैसा वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि इस वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपके दोनों वीडियो थे, ये हमारा मूवमेंट वाले पोर्शन के लिए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर थे, तो फर्स्ट पेपर के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, लैंग्वेज में बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, इसको तो ले ही ले, और ये जो बुक है इसकी ये भी बेस्ट है बट लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो इसकी जगह अगर आपको इसको जगह कुछ लेनी है लैंग्वेज ही, तो आर सी अग्रवाल जिस राइटर की ये बुक है, इसी राइटर की बुक पॉलिटिकल थ्योरी करके थ्योरी के लिए आती है वो ले लें। तो अगर आपको बुक परचेस करना है विद डिस्काउंट, तो आप इसी वीडियो के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तीनों बुक को परचेस करने का लिंक दिया है, अगर वहाँ से आप जाके खरीदते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो जाइए, अगर आपको परचेस करना है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक से आप परचेस कर लीजिए, और आप कोई भी गलत बुक खरीदने से अच्छा आप पूछ लें कि कौन सी बुक खरीदना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।